भर्तृहरि नीति शतकम्, नीति के विश्रुत जो महाकाव्य हैं उनमें बहुत प्रधान है, प्राधान्य रखता है। इसके 100 से अधिक श्लोकों में नीति के अनमोल ऐसे हीरकमणि हैं जो हमें जीवन में भव्यता प्रदान करते हैं। हम इस समय नीति शतकम् के प्रारंभिक पद्धति शीर्षक या कहें विषय, उसका नाम है मूर्ख निंदा, जो नकारात्मकता है जिसे हम कहते हैं कमी, मनुष्य को देवत्व के मार्ग की ओर अग्रसर करने वाली बातें और पशुत्व से नीचे धकेलने वाली जो बातें उससे उसको हटा करके देवत्व की ओर प्रयाण करने वाला, मार्ग बताने वाला ग्रंथ है नीति शतकम्। आइए नीति शतकम् के आगे के श्लोकों पर जाएं। आज नीति शतकम् की मूर्ख निंदा का शायद अंतिम दो तीन श्लोक होंगे, इसके बाद हम विद्या विद्वत पद्धति की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही उत्कृष्ट श्लोक हैं। महाकवि भर्तृहरि का संबंध राजस्थान से है। अलवर में महाकवि भर्तृहरि की गुफाएं हैं, राजस्थान उनका कर्मक्षेत्र रहा है, वैसे मध्य प्रदेश भी रहा है उनका कर्मक्षेत्र। ये वही भर्तृहरि हैं जो राजा थे और फिर सन्यासी बन गए। गुरु गोरखनाथ ने परीक्षा लेने के उद्देश्य से जो माया रची, उस माया में भर्तृहरि को वैराग्य हो गया और उन्होंने जीवन से सन्यास ले लिया और 3 शतक लिखे, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। इस समय मूर्ख निंदा पद्धति के कुछ लोग का अध्ययन अभी बाकी है, आइए उनकी ओर बढ़े हम। श्लोक संख्या 11 ये शार्दूल विक्रीत में है, फलक पर देखें। जो संस्कृत प्रेमी, संस्कृत संभाषण करने के इच्छुक जो सुधिजन हैं उनके लिए भी शार्दूल विक्रीत छंद कैसे उच्चरित होगा, मेरे साथ उच्चरित करें। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपः, नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समदो दण्डेन गोगर्धभौ, व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैर्मन्त्रप्रयोगैर्विषम् सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितं, मूर्खस्य नास्त्यौषधम्, मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। यह जो मैंने दूसरी बार बोला, यही विषय है श्लोक का कि सबकी जो जीवन समस्याएं हैं उन सबके लिए निदान बनाया भगवान ने। बीमारियां बनाई है तो औषधि बनाई है, कमियों को पूरा करने के लिए सब कुछ है, शास्त्रों में विहित है, बताया गया है। अगर इसको पूरा करना है इसके लिए ये है इसके। लेकिन अंतिम शब्द देखें तो मूर्खस्य न अस्ति औषधम्, कि मूर्ख की मूर्खता को ढकने के लिए, दूर करने के लिए आज तक कोई औषधि नहीं बनी है, न बनी है न बनेगी। तो श्लोक क्या है देखें, मूर्ख निंदा की बात है लेकिन किसके लिए क्या। सबसे पहले है शक्य वारयितुं जलेन, वारयितुं जलेन हुतभुक्, हुतभुक इति अग्नि, हुतभुक शब्द है, यहां तक आना पड़ेगा। हुतभुक जलेन वारयितुं शक्य, हुतभुक इति अग्नि, अग्नि को, प्रचंड अग्नि को जल से वारण करने में संभव है, रोका जा सकता है, शक्य संभव है, रोकना संभव है जल से। जलेन छत्रण, छत्र से, छतरी से, सूर्यस्य आतपः, सूर्यातपः, सूर्य का जो आतप है, प्रचंड धूप है, उसको छाते से रोका जा सकता है। देखिए प्रचंड निदाघ की भयंकर गर्मी है, उसे बचाओ, छत्र ला दो, बच जाएंगे हम उस धूप से, किसी पेड़ की छाया में चले जाओ,
भयंकर अग्नि है, जल से शांत हो जाएगा। तीसरा क्या है, नागेंद्र, नागेंद्र ही थी हाथी, मदमस्त हाथी। हाथी बड़ा जब मद में आ जाए तो उसको वश में करना कठिन हो जाता है, लेकिन निशितांकुशेन नागेंद्र, निशित अंकुशेन तीक्ष्ण, निशित तीक्ष्ण तीखे अंकुश, हाथी के गंड स्थल पर जो महावत होता है वो उसको अंकुश को चुभोता है, जिससे हाथी वश में रहता है, उसकी आज्ञा मानता है। हालांकि उससे उसको दर्द होता है, बेचारे जीव है वो भी, लेकिन अंकुश से हाथी को नियंत्रित किया जा सकता है। ऊपर बैठा हुआ महावत होता है वो अंकुश से, अंकुशेन निशित अंकुशेन नागेंद्र वारयितुं शक्यः, हुतभुग् जलेन वारयितुं शक्यः, सूर्यस्य आतपः छत्रेण वारयितुं शक्यः। पुनः चतुर्थ, समदः गौगर्दभौ दंडेन वारयितुं शक्यः, मद में आया हुआ गौगर्दभ, गौ और गर्दभ दो है, द्विवचन है, सांड और गधा, गौ गर्दभ, इस प्रकार के जानवर हैं। जब जब ये बदमाश हो जाते हैं तो सामने देखते ही नहीं है, खास करके जन सम्मर्द में घुस जाएं दौड़ते हुए तो रोन डालते हैं। तो ऐसे गर्दभ यानी गधा, गौ यानी सांड, ऐसे सांड और गाय आदि को, सांड और गर्दभ आदि को दंडेन वारयितुं शक्यः, ये वारयितुं शक्यः सबके साथ लगेगा तो अर्थ बैठ जाएगा दंड से, अर्थात उसको वश में करने वाले कोई दंड से डर जाएगा, दंड से। व्याधिर भेषज संग्रहीषि, संग्रहीषि व्याधि बीमारी, वी आदि व्याधि, आदि पर में वी उपसर्ग लगे तो व्याधि बन जाएगी, शारीरिक कष्ट बीमारियां जो भी रोग हैं वे सब भेषज संग्रही, भेषज संग्रह मतलब घर में अगर दवाइयों का संग्रह है तो व्याधि, औषधियां हैं, औषधियां रखी हैं उनका संग्रह कर रखा है तो शरीर तो व्याधियों का घर है, जब भी कोई व्याधि हो तो सब दवाइयां लेकर के उस व्याधि को दूर किया जा सकता है, सामान्य है। विविध ही मंत्र प्रयोग ही विषम, विषम केन वारयितुं शक्यः, कई ही विविध ही मंत्र प्रयोग ही विष को, विविध मंत्रों के प्रयोग से, विविध मंत्रों के प्रयोग से विष को रोका जा सकता है। यहाँ विष को पूरी तरह से स्पष्टीकृत नहीं है कि वो सांप का विष है या सामान्य विष है, लेकिन ये आज के युग में हम विद्यार्थियों को ये बताएंगे कि कोबरा या करेंत जैसे जो जहरीले सांप हैं उनके काटने पर आप सीधे जिला अस्पताल जाएं और एंटी वेनम का इंजेक्शन लें, अन्यथा आधे घंटे में जीवन समाप्त हो सकता है। ये बातें शास्त्रों में लिखी हैं, किंतु हमें थोड़ा सा उसको अपडेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि आज का मानव मंत्रों को कोई उच्चारण में और मंत्रों को सहन करने में उसकी प्रवृत्ति पहले जैसी नहीं रही। पहले मंत्रों के प्रयोगों से विष को उतारा जाता था, आज भी उतारा जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब मंत्र पर डिपेंड होकर के बैठे रह गए तो संभव नहीं होगा। मंत्र चिकित्सा अपने आप में होती है, उसके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। कई बार नेशनल ज्योग्राफी पर देखा गया है कि मैंने स्वयं देखा है कि जब वनराज सिंह, मृगेंद्र सिंह जो सिंह होता है लॉयन, वो कोबरा ने काट लिया था उसको, तो दो तीन दिन तक वह फाइट करता रहा और अंत में उस जीत गया। उस वहाँ पर कहते हैं कि सांप का विष किसी को छोड़ता है, लेकिन उसके अंदर ऐसी अगर एंटीबायोटिक उसकी क्षमता है, इम्यूनिटी है, तो विष उतना प्रभाव नहीं करता है। आत्मबल चाहिए, तो विष को रोकने के लिए मंत्रों का प्रयोग शास्त्रों में है, लेकिन आज के वातावरण में व्यक्ति को तुरंत एंटीवेनम की शरण लेनी चाहिए। सर्वस्य औषधमस्ति शास्त्र विहितम्, अब यहाँ बता रहे हैं सर्वस्य औषधमस्ति शास्त्र विहितम्, सभी की के लिए शास्त्र में औषध विहितम अस्ति, औषधम विहितम्,
कोई समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए उसका सोल्यूशन है, समस्या का निदान शास्त्रों में लिखा गया है। किंतु मूर्खस्य नास्ति औषधम, जो मूर्ख है, मूढ़ है, हठी है, दुराग्रही है, ऐसे मूर्ख के लिए कोई न अस्ति औषधम नास्ति औषधम। यहाँ न अस्ति नास्ति दीर्घ संधि हुई और फिर नास्ति के साथ औषधम का यण संधि होकर के नास्ति औषधम रूप बना है। इस प्रकार इस श्लोक का मैंने आपको आशय समझाया। इसका ये कंटेंट नोट देखें, ये अन्वय शब्दार्थ, अन्वय और शब्दार्थ हमें संस्कृत का अभ्यास करने के लिए बहुत आवश्यक है। वोकैबुलरी बढ़ती है, शब्दावली बढ़ती है और हमें संस्कृत का जो वाक्य विन्यास है, अर्थ अर्थ की दृष्टि से ही बहुत आवश्यक है। मूर्ख निंदा पद्धति से उद्धृत प्रसुद पद्य में सभी समस्याओं के शास्त्रोक्त उपायों की बात करते हुए मूर्खता का कोई उपाय नहीं होने की बात कही गई है। ये है ये अनुवाद जैसा बताया और ये व्याख्या। और देखें अगला बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, ये श्लोक विद्यार्थियों को याद करना चाहिए। यहाँ पर भर्तृहरि ने पशुओं से भी नीचे दर्जा दिया है। मनुष्य जीवन में आकर के यदि आपने साहित्य संगीत और कला से कोई वास्ता नहीं अपनाया, कोई रिलेशन नहीं बनाया, तो वो कौन है? पशुओं से भी गया गुजरा। कि कैसे एक तरह से व्यंग्य में कहा है, एक तरह से बहुत बड़ा बहुत नकारात्मक बात कही है जिनके जीवन में साहित्य संगीत या कला नहीं है। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन तृणन्न खादन्नपि जीवमानस्तद्भागधेयं परमं पशूनां। साहित्य संगीत कला विहीन, यह मनुष्य साहित्य संगीत कलाहीन अस्ति, सह साक्षात पशु, उसको साक्षात पशु कह दिया है। किंतु उस इस मनुष्य रूप में जो साक्षात पशु है उसकी दो विशेषताएं हैं, एक तो उसकी पूंछ नहीं है और इसके सिंग नहीं है, विषाणु में सिंग। पशु तो है, साक्षात पशु है, लेकिन पूंछ बिना पूंछ का और बिना सिंग का पशु है। तीसरी बात और बात कही है, वो तो और खतरनाक है। कैसे है देखे, तृणम न खादन न पी जीवमान, तिनका नहीं खा कर भी जीते जीवित रहते रहते हुए, कि जो मनुष्य रूप में जो साहित्य संगीत कला से रहित जो साक्षात पशु है, जिसके पूंछ भी नहीं है, सिंग भी नहीं है, और तीसरा ये कि वो घास भी नहीं खाता है, वास्तविक पशु है, ओरिजिनल पशु है, बेचारा घास पर निर्भर होता है। लेकिन मनुष्य रूप में ये साक्षात पशु है जो वो तिनका नहीं घास नहीं खाते हुए भी जीता है, जीवित रहता है। तो ये तद्भागधेय परमम पशु नाम, तद्भागधेयम परमम पशु नाम, पशु नाम परमम भागधेयम, ये तो उन पशुओं का परम भाग भागधेय का मतलब सौभाग्य है। वास्तविक पशु जो हैं उनका परम सौभाग्य है कि मनुष्य रूप में आया साक्षात पशु जिसके पूंछ नहीं है, सिंग नहीं है और घास नहीं खाता है, ये बात उन परम पशुओं के लिए, उन पशुओं के लिए परम सौभाग्य का विषय है। क्यों कहा ऐसा? आप समझ गए होंगे कि वास्तविक पशुओं के लिए परम सौभाग्य क्यों कहा, कि मानव रूप में आया पशु घास नहीं खाता है, पूंछ नहीं है, सिंग नहीं, कोई बात नहीं, चलो बिना पूंछ और बिना सिंगड़े का जानवर है, लेकिन घास नहीं खाकर जीता है, इसलिए कहा है कि अगर ये जो मनुष्य घास खाने लग जाता, जो साहित्य संगीत कला से रहित है, जिसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, न साहित्य से, न संगीत से, न कला से, ऐसा व्यक्ति अगर घास खाने लग जाता तो बेचारे उन वास्तविक पशुओं को घास या चारा नसीब नहीं होता। ये तो तद्भागधेय परम पशु नाम, हम पशुओं का परम सौभाग्य है कि मनुष्य रूप में जो आया पशु है वो घास नहीं खाता है, ये बात है। देखें खादन नपी में आप देखें, खादन अपि, खादन नपी, खादन नपी में खाद धातु में शत्रु प्रत्यय है, तृणम न खादन नपी, जीवमान में शानक प्रत्यय है, जीव शानच, और बाकी
देखें इसका मूर्ख निंदा पद्धति से उद्धृत प्रस्तुत पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने मनुष्य जीवन में साहित्य संगीत और कला की अनिवार्यता को प्रतिपादित किया है। बहुत जरूरी है, जिसके जीवन में ये नहीं है तो कला में रहेगा, आनंद नहीं ले पाएगा जीवन का। छोटा सा जीवन है, कब 60, 70, 75, 80 साल गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता है। बोझ लगता है जीवन अगर साहित्य संगीत कला नहीं हो तो, और साहित्य संगीत कला हो तो जीवन स्वर्ग बन जाता है, सोने पे सुहागा। ये आपको बता दिया है, भावार्थ देखें। मैं रोक इसलिए रहा हूँ कि कंटेंट है, इसको स्पर्श करके विद्यार्थी चाहें तो नोट कर सकते हैं। और मानव जीवन की सार्थकता साहित्य में, संगीत कला आदि से, कला है संगीत। देखो संगीत का मतलब गाना ही संगीत नहीं है, सुनना भी कल संगीत है, गुनगुनाना भी संगीत है। संगीत गाने वालों के प्रति एक सद्भाव रखना भी संगीत है, उनको प्रेरित करना, जो अच्छा गा रहा है उसको प्रोत्साहन देना, ये भी संगीत है। स्वयं गाना ही संगीत नहीं है, बजाना ही संगीत नहीं है। साहित्य, साहित्य में रुचि, कविता में रुचि, काव्य गद्य पद्य निबंध, इसको पढ़ना, लिखने में रुचि होनी चाहिए, पढ़ने में रुचि होनी चाहिए, उस पर चलने में रुचि होनी चाहिए, ये साहित्य है। कोई कविता लिखने वाला ही साहित्यकार होता ऐसी बात नहीं है। और कला, कला भगवान कृष्ण ने कलाओं की संख्या 64 बताई है, कला एक नहीं है, 64 कलाएं हैं। मनुष्य किसी भी कला में प्रवीण हो, बस आर्ट, कला में निष्णात होना ही जीवन है। योग कर्म सुकौशलम, कर्मों में कुशलता को भगवान कृष्ण ने योग कहा है, कर्म में कुशलता योग है। ये मूर्तिकला, चित्रकला, नृत्य कला, हाथी चलाना भी कला है, घोड़ा चलाना भी कला है, तैरना भी कला है। एक भगवान कृष्ण की स्तुति में कहा गया है कि अधरम मधुरम नयनम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। अर्थात भगवान कृष्ण का चलना, उठना, बैठना, गाना, बजाना जितना मधुर है, उस अखिलम मधुरम सब मधुर मनुष्य में तो गाना चाहिए। भक्त भगवान के गुणों को ही तो ग्रहण करता है, इसलिए उपनिषदों में कहा गया है आनंद नाम ब्रह्मेति। यह आनंद कहाँ से मिलेगा? साहित्य, संगीत और कला से। इनमें विचक्षणता आएगी, विलक्षणता आएगी, रुचि होनी चाहिए। अब देखें उपजाति छंद है, एक और श्लोक पढ़ेंगे आज, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा शरन्ति। ये भी वैसे श्लोक है, इससे पहले वाला। मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति, जिस प्रकार इससे पहले वाले श्लोक में साहित्य संगीत कला से हीन व्यक्ति को साक्षात पशु कहा था, बिना पूंछ और बिना सिंगों का और घास नहीं खाता, इस श्लोक में उन लोगों को मनुष्य रूप में पशुओं की भांति चरते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, आए हैं इंसान बन के लेकिन भटक रहे हैं जानवरों की तरह, ऐसा कहा है। किनको, कौन जानवरों की तरह भटक रहे हैं इस संसार में, है मनुष्य रूप में लेकिन मृगों की भांति चरते हैं। मृग का तात्पर्य यहाँ श्लोक में पशु है, ओरिजिनल हिरण अर्थ ना ले, मृगा चरन्ति, जैसे मृग अर्थात जैसे पशु विचरते हैं जंगल में, वन में भटकते रहते हैं यहाँ वहाँ। कौन भटकते हैं? येषां न विद्या, जिनके पास विद्या नहीं है, जो विद्या नहीं जानते हैं, न प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, न तप, न परिश्रम करते हैं, न तप करते हैं, न दानम, न देने का भाव रखते हैं, न ज्ञानम, ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करते, न शीलम, जिनके पास उत्तम चरित्र नहीं है, शील का तात्पर्य चरित्र, न गुण, न गुण, जो गुणवान नहीं है, जिनके अंदर गुण नहीं है, न धर्म, जो धर्म से रहित हैं, जो धार्मिक नहीं है, धर्म नहीं है, धर्म के तात्पर्य आंतरिक निष्ठा, नियम। ऐसे लोग विद्या, तप,
दान ज्ञान शील गुण और धर्म, ये सात जो तत्व हैं इनसे रहित जो लोग हैं वे ते मृत्युलोके, अस्मिन मृत्युलोके, वे इस मृत्युलोक में भूविभार भूता, भूवि सप्तमी एक वचन है, भू शब्द सप्तमी एक वचन मिलेगा भूवि। कई लोग बोलते हैं भूमिभार भूता, ये गलत है, भूवि भूवि शब्द है, भूवि माने पृथ्वी पर, भू पर। भार भूत संति ते जन ते मनुष्य येषां न विद्या न तपः न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुण न धर्म, ते जन ते मनुष्य अस्मिन् मर्त्यलोके भूमौ भुवि भार भूत सन्ति। पुनः मनुष्य रूपेण मृग चरन्ति, ते मनुष्य रूपे तो सन्ति परंतु यदा यथा मृग चरन्ति यथा पशव विचरन्ति वनेषु तथैव ते अपि जीवने चरन्ति चलन्ति नास्ति तेषां उपादेयता। मनुष्य जीवन में आए तो मनुष्य तो भगवान ने कहा है कि सबसे उत्कृष्ट प्राणी है वो मनुष्य है, तो हमें जीवन में ये जो भगवान ने हमें बताए हैं है श्लोक कृष्ण ने भगवान ने अर्जुन को बताए थे, वैसे ही सभी शास्त्रों का सार है श्लोक। महाकवि भर्तृहरि ने यह श्लोक नीति शतकम के माध्यम से मूर्ख निंदा पद्धति के माध्यम से बताया है कि जिस व्यक्ति के पास ये नहीं है वो मूर्ख है, पशुओं की भांति चलता है जीवन में, और जिसके पास है उसका जीवन धन्य है, उसके माता पिता को गौरव की अनुभूति हो सकती है। देखें श्लोक का अन्वय शब्दार्थ, अब श्लोक के संदर्भ प्रसंग की बात है। विद्वत प्रशंसा पद्धति यहाँ से प्रारंभ हो चुकी है, ऐसा हम कह सकते हैं, 10 श्लोक समाप्त हो गए यहाँ से विद्वत पद्धति, क्योंकि साहित्य संगीत कला विहीन विहीन बात कही दोनों ओर में आता है ये श्लोक। आप चाहें तो इसको मूर्ख निंदा की बात भी हो सकती है, नहीं है तो मूर्ख है और है तो विद्वान है, विद्या विद्वत प्राप्ति के लिए प्रयास करेगा व्यक्ति, यहाँ से विद्या विद्वत पद्धति है। जिन मनुष्यों के पास ये शिक्षा नहीं है, तपस्या नहीं है, दानशीलता नहीं है, सब भाव स्वरूप हैं। देखें आगे मानव जीवन की सार्थकता विद्या तप दान ज्ञान शील गुण और धर्म आदि से संपन्न है जीवन जीने की। यजुर्वेद में दो प्रकार की विद्याएं हैं, एक अविद्या और एक विद्या। ये जो अविद्या है वो हमें जीवन में जीविका प्रदान कराती है, लेकिन विद्या है वो मोक्ष अध्यात्म प्रदान कराती है। इस प्रकार एक अंतिम श्लोक बचता है, उसको पढ़ लेते हैं, फिर हम विद्या विद्वत पद्धति की ओर बढ़ेंगे। अंतिम श्लोक है, वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वनचरैः सह न मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवनेष्वपि। महाकवि भर्तृहरि ने यहाँ कहा है कि मूर्ख जन के साथ इंद्र के महलों में भी अगर संपर्क हो, रहने मिले, संगति मिले तो अच्छी नहीं है। वन में, पर्वत दुर्गों में वनचरों के साथ, जनजातियों के साथ, वनवासियों के साथ रहना अच्छा है, किंतु मूर्खों के साथ सुरेंद्र भवनेषु अपि न वरम, इंद्र के महलों में भी रहना अच्छा नहीं है। एक बार श्लोक को फिर से देखें, वरम श्रेष्ठ है, पर्वत दुर्गेशु पर्वतों में दुर्गों में भ्रांतम वनचरैः सह भ्रमण करना, वनचरों के साथ भ्रमण करना श्रेष्ठ है। वनचरैः सह साकम, सह साकम सार्धम समम सहयुक्त्या प्रधाने, यहाँ तृतीय व्यक्ति आई है, वनचरैः सह वनचरों के साथ, वनचर का मतलब वन में रहने वाले वनवासियों के साथ, जनजातियों के साथ रहना, भ्रमण करना, भ्रांत भटकना अच्छा है, किंतु ना वरम, ना के साथ वरम फिर जोड़ ले, ना वरम अच्छा नहीं है, बहुत बुरा है। क्या? मूर्ख जन संपर्क, लेकिन कहाँ? सुरेंद्र भवनेषु अपि, सुरेंद्र का अस्ति इंद्र, सुराणाम इंद्र, सुराणाम इंद्र इति सुरेंद्र, जो देवताओं का इंद्र है, इसलिए
सुरेंद्र भवनों में भी सप्तमी बहुवचन है, यण संधि हो गई, सुरेंद्र भवनेषु अपि, इंद्र के महलों में भी अगर रहने मिले, आज के वर्तमान युग में कहो आप सेवन स्टार होटल, भाई सेवन स्टार होटल में मूर्खों के साथ अगर 5 दिन फ्री मिले तो इसको बदकिस्मती मानना चाहिए, क्योंकि उनकी मूर्खता का एक अंश भी लग गया तो जीवन बर्बाद है। इससे तो भोले भाले जनजातियों के साथ अगर आप कुछ 1-2 दिन 5 दिन 7 दिन भटकना पड़े जंगल में तो कम से कम लॉस तो नहीं होना है, चरित्र का या कोई ऐसा बहुत बड़ा लॉस कोई हानि नहीं होनी है। मूर्ख जन के साथ, दुष्टों के साथ, दुराग्रहियों के साथ, हठी नीच लंपटों के साथ, अच्छे प्रासादों में अच्छे महलों में अगर रहने मिले तो इंसान को मनुष्य कभी नहीं रहना चाहिए, उसको नकार देना चाहिए, क्योंकि जैसी संगति पाइए तैसो ही फल दिए, संगति का असर आता ही है। इस प्रकार यहाँ नीति शतक की प्रथम पद्धति जिसे हम मूर्ख निंदा कहते हैं ये यहाँ समाप्त हुआ। विद्यार्थियों के लिए जो विद्या के अर्थी हैं सही मायने में उनके लिए बात ये कंटेंट दिखा रहा हूँ, सामान्य सुधी जनों के लिए मेरा श्लोक गान अच्छा लगे आप उसको वैसे ही गुनगुनाएं और संस्कृत की ये जो महान शब्दावली है उसको सुने, उसको अपने घर में अपने जो नई पीढ़ी है उस तक भी पहुँचाएँ। श्लोकों का गान कैसे करें, इससे संस्कृत का संप्रसार होगा और नई पीढ़ी संस्कृत के प्रति एक रुचि के साथ उसको पढ़ सकेगी, कठिन कुछ नहीं है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोषिदम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभम। आप अच्छे सकारात्मकता के साथ इस बात को बच्चों तक पहुंचाएं। इस श्लोक का विशेष है मूढ़ वृत्ति के दुष्ट लोगों का साथ कदापि अच्छा नहीं है, उनका संसर्ग वन संगति बुरा प्रभाव डालती है। ऐसे मूर्खों की तुलना में वन के दुर्गम स्थान में रहने वाले वनवासियों के साथ कभी रहना पड़े तो रह लेना, बहुत बड़ी हानि नहीं होने वाली है। वहाँ वैभव विलासी तो नहीं है वहाँ, बाकी वो ऊपर से भोले हैं अंदर भी भोले हैं, लेकिन जहाँ भौतिकता खूब है वहाँ पर ऊपर से तो भोले हैं लेकिन अंदर से भाले हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये श्लोक समाप्त हुआ, यहाँ ये पद्धति समाप्त हुई 14 श्लोक, और हम आगे विद्या विद्वत पद्धति के साथ कल आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। ओम।